भोपाल से हैं अंशु त्रिवेदी जी, स्वागत है आपका नमस्कार जी। नमस्कार मैम। मैं सर से नमस्कार जय हकीम जी को मैं नमस्कार बोलना चाहती हूँ। मैं मेरे पैरों में बहुत दर्द रहता है, पैर में जो पिंडली होती है, एक तो पिंडली होती है और एक साइड में से पैर का जो साइड का हिस्सा होता है उसमें बहुत दर्द होता है। चलते वक्त तो इतना ज्यादा दर्द होता है कि मैं चल ही नहीं पाती हूँ। वॉकिंग करने के लिए डॉक्टर ने बुलाया है, वजन ज्यादा है। और जैसे पहले मुझे सिर्फ चलते वक्त होता था, उसके बाद अब मुझे दिन भर घर में भी हो रहा है, खड़े रहने में भी हो रहा है, कुंडली में भी हो रहा है और साइड में बहुत पेन हो रहा है। उसके वजह से जैसे गुट्टे गुट्टे कभी कभी बनते हैं, दर्द हो रहा है, एक जगह पे दर्द हो रहा है, इस तरह से दर्द होता है। मुझे डॉक्टर ने बरस की सिंचाई के लिए भी बोला है और एक्सरे में कुछ नहीं निकला है, मसल स्पाज्म या न्यूरो से रिलेटेड प्रॉब्लम बता रहे हैं। ठीक है ठीक है। जी आपकी एज बता दीजिए। अच्छा मैं 41। देखिए, जो कैफियत आपने बताई है, जो अपना मामला बताया है, उसका मतलब ये होता है कि देखिए, हमारी पिंडली में या पिंडली की साइड में खिंचाव या दर्द हो, या सुन्न हो या जलन हो, पैरों में हो, पिंडलियों में हो, थाइज में हो, चलते में हो या खड़े खड़े हो या लेटने पे हो, किसी को भी, एक पैर में हो या दोनों पैरों में हो, तो इसका मतलब होता है कि हमारे कमर में नसें दबी हुई हैं, जो हिप से ऊपर के 5 डिस्क होते हैं, इस तरह के होते हैं, यहाँ पर नसें दब जाती हैं और दर्द होता है हमारी पिंडलियों में, या खिंचाव होता है, या जलन होती है, या सुन्न होने लगते हैं। अब हम पिंडली का इलाज कराते रहते हैं, पिंडली पे कुछ मलते रहते हैं, ये इलाज नहीं है। हमें हमारी कमर का इलाज करना होगा, पिंडली अपने आप ठीक होती है, ये मेरा तजुर्बा है। इसे साइटिका कहते हैं, साइटिक नर्व के दबने से ये रोग होता है। आपको समझाने के लिए इसलिए कह रहा हूँ कि लाखों लोग सुन रहे हैं और वो समझ नहीं पाते अपना रोग क्या है। डॉक्टर भी एक्सरे यहाँ का कर देता है, एक्सरा नहीं बल्कि MRI होनी चाहिए और कमर की होनी चाहिए, कमर के हिप से ऊपर जो 5 डिस्क हैं उनकी MRI में पता चलता है कि यहाँ रोग है, लेकिन उसमें 4-5 हज़ार रुपये लग जाते हैं। बहरहाल, आप अगर हमारे साथ जुड़े हुए पहले से तो यकीन करेंगे, नहीं तो फिर आप जो चाहे कर सकते हैं। देखिए, आपके लिए 2-3 बातों की पाबंदी है। एक तो वेस्टर्न टॉयलेट यूज करें, ऐसा कुर्सी वाला, ठीक है, और जमीन में बैठ के कोई काम ना करें, जैसे झाड़ू पोंछा, हो सकता है आप पर जिम्मेदारी हो, झाड़ू पोंछा करना मना है, वजन उठाना मना है, खड़े होकर काम कर सकते हैं, किचन में जितना भी जिम्मेदारी काम है, आजकल तो स्टैंडिंग में है सब कुछ, तो ये तो आप पर पाबंदी है कि ये काम ना करें। और गौन स्या एक आता है, काला गौन, काला गौन या गौन स्या हम कहते हैं, और नकली बहुत मिलता है, असली खरीद लें। ये गौन स्या आधा ग्राम सुबह आधा ग्राम शाम खाना शुरू करें, 15-16 रुपए का 1 ग्राम आता है, जो आधा आधा ग्राम सुबह शाम में खाना पड़ता है, तो 15-16 रुपए की खुराक है आपकी रोजाना की, तो इससे आपके तमाम जोड़ों और तमाम नसों और डिस्क अच्छी होती है। और गौन से असली लेना ज़रूरी है। और वज़न अगर ज़्यादा है तो आप जीरे का सिरका विनेगर आप लें और 2-2 चम्मच 2-3 बार पिए, और डाइट कंट्रोल करें, जितना खुराक है आपकी उससे आधा कर दें, गर्म पानी खूब पिया करें। अगर ये इलाज आप 3-4 महीने लगातार करते हैं तो आपके रोगों को फायदा होना मुमकिन है।